तो भाई कल हमसे हो गई थी मिस्टेक, कल तुम्हारे भाई ने गलती से मतलब लीनियर पे शूट कर दिया था, करना मुझे किसी और पे था, बच गलती हो गई। तो आज का व्लॉग हम आपको सुधार दिखाएंगे अपना। तो भाई मतलब अब तुम्हारा भाई गुज्जी भाई बिल्कुल रेडी है, लगा लिया। और भाई ठंड, रात की वाली ठंड लग रही है बड़ी तगड़ी। अभी काशी भाई ने मुझे बुलाया था पर मैं अभी फ़िलहाल उधर नहीं जा रहा हूँ, पहले एक बार इसे टेस्ट करना है। जब तक इसकी वॉइस सही नहीं आई तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अब करो स्प्लेंडर पे जज, मतलब तुम्हें अब व्यू मिल रहा है बकायदा। तो कल मैं 4 बार आया था सेम रूट पर, 4 से 5 बार आया सेम रूट पर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आगे क्योंकि कभी वॉइस नहीं आई। एक बार लीनियर पे शूट कर दिया, जिस टाइम वॉइस आई थी उस टाइम लीनियर पे शूट था। तो ये अपन की गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट, तो ये अपने टेक्निकल फॉल्ट है। तो चैनल खोलना पड़ेगा हमें अपना टेक्निकल का भी, लग रहा है मुझे। और देखो भाई ऐसा है, कल मैंने सबको कहा था कि मैंने गलती कर दी, मैंने बकायदा टेक्स्ट लिखा था उधर कि लीनियर मोड पर शूट हो गया है भैया माफ़ कर दो, बट नहीं, लौंडे मान ही नहीं। गुज्जी भाई एंगल ख़राब है आपका, गुज्जी भाई आपकी नज़रें ख़राब हैं, गुज्जी भाई आपका एंगल ऐसा है, गुज्जी भाई आपका एंगल वैसा है। तो क्या कर सकते हैं अब बताओ, मतलब मैंने तो लिख के दे रखा है बकायदा बट तुम मानने को तैयार नहीं। और भाई ये जो सामने रोड दिख रहे हो ना, एक टाइम पे ये मौत का मंजर हुआ करती थी, मतलब यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट। ये जो देखो ऐसे रोड पार करते ना, ये देखो भाई 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 ऐसे कैसे जिंदा बचोगे। फिर ऊपर से ये लोग उम्मीद करते हैं कि जिंदा बच जाएंगे। एक तो मेन हाईवे में इन्होंने अपनी रोड क्रॉसिंग बना रखी है, अब इन लोगों की वजह से ना गाड़ी वाले जेल में जाते हैं, ट्रक वाले जेल में जाते हैं, बट लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती है भाई, क्या कर सकते हैं। तो किसी को अपनी गलती ना दिखे तो क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ये कुछ भी नहीं था यार, ये देखो LIC हमारी बहुत ही गंदी हो रखी है, तो पहले इस एरिया में कुछ भी नहीं था, अब मेरी आँख में घुस गया कीड़ा। मैं कीड़ा निकालूँ कि मोटो ब्लॉक करूँ, पहले कीड़ा निकाल लेता। ओ भाई गलत, ये भी यहाँ पे भी बना रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे लोग ऐसे ही पार करते हैं, थोड़ा दूर ना जाना पड़े इसलिए। अब पहले ना ये जो नाला है जहाँ से कूद रहे बच्चे, यहाँ से हमें भी बहुत चूल रहती थी कूदने की, तो उस टाइम हम छोटे थे 4th-5th क्लास में, तो ये नाला जो कूद जाए उसे हम इंटरनेशनल प्लेयर मानते थे और लॉन्ग जम्प, बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक बात है, यहाँ पे पेड़ इतने हैं तो ठंड बहुत तगड़ी लगती है, कुछ भी कहो बहुत ख़तरनाक की ठंड लगती है। तो कल की हम गलती दोहराने नहीं, सुधारने आए हैं, कल की गलती सुधारने में इधर आया था। मैं देखता हूँ किस्मत अपनी अच्छी रहती है ख़राब रहती है। और ये जितना भी एरिया ना, पहले हम यहाँ खेलने आते थे, यहाँ पे देखो कोई नहीं था पहले, जितना भी एरिया यहाँ कोई एक तुम्हें घर नहीं दिखेगा, बट अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा वो हो गई है भीड़, धीरे धीरे देखते हैं और बढ़ेगी मुझे पता है। आंटी जी साइड हो जाओ, आंटी जी थोड़ा साइड हो जाओ। अब मुझे इतना टाइम हो गया ना इधर घूमते घूमते, तो अजीब सा लगने लगा है जब से यहाँ घर वर बन गया, पहले खाली सा रहता था सब इंजॉय करते थे। ओ बाबू भैया साइड हो जाओ बाबू भैया, तो बैक बाबू भैया बीच में आ गए थे। बस गुज्जी भाई वेरी गुड ह्यूमन, मैं बहुत धीरे चलाता हूँ वैसे। एक तो बाइक इतनी देख रहे हो, हाई स्टैंडर्ड बाइक है, 40 पे चल रही है, बहुत बड़ी बात है, ये इसकी मैक्स स्पीड है। और यहाँ पे भी जितना एरिया ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक घर, मतलब जब मैं 4th क्लास में था तब से वो घर बन रहा था ना, 6th-7th में आ गया था तब पूरा हुआ था, उसमें बोलते हैं यहाँ पर राजस्थानी घर, क्योंकि राजस्थान से मार्बल से बना हुआ, बहुत ही बढ़िया। आई शो यू, यहाँ तो अब अच्छे अच्छे घर बनते ही हैं, पता नहीं अपनी किस्मत में नहीं है, अपन किस्मत यहाँ पे तब होगी जब हम 10-15 मिलियन व्यूज़ कर लेंगे, नहीं सब्सक्राइबर कर लेंगे, व्यूज़ नहीं भाई सब्सक्राइबर कर लेंगे, तब जाके होगा कुछ। अदरवाइज हमने सब जगह यहाँ खेला है, यहाँ हमने बंक मार के खेला है, मतलब कोई सा ग्राउंड छोड़ते नहीं थे, बट हमें ना भगा देते थे वो मोहल्ले वाले जो होते ना,
जो चंदा देते हैं ग्राउंड के लिए वो हमें भगा देते हैं कि इस ग्राउंड में किसी का हक नहीं है। देखो ये वाला घर देख रहे हो ना आप सामने, ये घर देखो, मतलब ये मतलब तुम किसी से पूछ लो सबका फेवरेट घर होगा, अगर डिफेंस में कोई कहता है ना अच्छा घर ये देखो ऐसे ही बनाएगा गुज्जी भाई सेम, पर गुज्जी भाई का पत्तों से बनेगा, ये पत्थरों से बना है, गुज्जी भाई का पत्तों से बनेगा। तो काशी भाई ने बुलाया था, अभी मैं उधर जाऊंगा, बट नहीं लग नहीं रहा है, ठंड इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है भाई। और ये यहाँ तो मतलब मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं इस रोड से, क्या ही बताऊँ, अब नहीं बताऊँगा। सामने हमारे यहाँ पर हमारी साइकिल चोरी हुई थी, कल मैंने आपको बताया था। आज का व्यू देखो तुम्हें इसलिए अच्छा मिलेगा, आज अपने ने कर रखा है सुपर व्यू, सुपर व्यू मतलब पूरा खोल दिया है। तो ऐसा है देखो, सुपर व्यू मुझे पता था, बट मैंने पिछली बार तुम्हें एक बार GoPro से ब्लॉग करके दिखाया था ना, याद है, GoPro से ब्लॉग करके दिखाया था, तब तुम्हें मैंने बताया था, मैंने कहा लीनियर पे अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा लीनियर ही छोड़ दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इतना बड़ा ब्लॉगर हूँ नहीं कि हर चीज़ ध्यान दूँ। तो अपन सस्ता सुंदर टिकाऊ ब्लॉगर और फ्रॉम KV जगह मोहल्ला, एक कट मारेंगे मोहल्ले के मैं बच्चे बड़ी इससे देखते हैं मुझे, जैसे मैं बहुत फेमस यूट्यूबर होऊंगा बच्चे मुझे बड़ी तीखी नज़रों से देखते हैं, भैया वीडियो कब अपलोड कर रहे हो भैया, निक्की भैया, तो ऐसा होता है। तो यही है भाई, मेंटेन कर रखा है बच्चों के बीच में फैन फॉलोइंग, बड़े ना जानते हैं बट बच्चे विल नो मी। अभी देखो ऐसे ट्रैक सूट पहन के आना पड़ेगा, मतलब आज का मोटो व्लॉग इतना सही था। और कल के लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ भाई, कितना बार बताया है मैंने लीनियर मोड पे करा है, मुझे पता है सुपर व्यू भी होता है, बस मैं टेस्ट कर रहा था। तो कल की गलती के लिए माफ़ कर दो यार, कितने कमेंट कर रहे हो भाई, थम ही नहीं रहे तुम, जज कर रहे हो गुज्जी भाई को, ऐसा नहीं होता। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगे हो, अब तुम बताओ, अब तुमसे एक क्वेश्चन है, या तो मोटो व्लॉग और व्लॉग मिक्स देखना चाहोगे, या फिर सिर्फ मोटो व्लॉग देखना चाहोगे, या फिर तुम ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते, जो डिमांड करोगे वही होगा। बाकी आज का वीडियो इतना सही रखता, आज मैं सुपर व्यू चेक करने गया था, तो बाकी पीस आउट।